वेलकम टू माय न्यू वीडियो जिसमें मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ मेरे नए वायर्ड गेम पैड की, जो कि रेड गियर की तरफ से है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैंने खुद के एक्सपीरियंस और गेमिंग के लिए इसे ऑर्डर किया है, तो इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ मैं। तो आपके सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है ये। इसका डब्बा ऐसा दिखता है, इस पर रेड गियर की ब्रांडिंग दिखती है यहाँ पर ऊपर, और गेम पैड के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। इंटीग्रेटेड फोर्स फीडबैक है, जो कि आपको वाइब्रेशन देता है जब आप किसी गेम में डेथ होती है आपकी, या फिर आपको कहीं गोली वगैरह लगना शूटिंग टाइप गेम में, आपको ये वाइब्रेशन देता है जिसको कि फोर्स फीडबैक बोलते हैं। और 11 डिजिटल कीज़ हैं, सब डिजिटल कीज़ 11 हैं पूरी टोटल इसमें। और ए बी एक्स वाई जो कि इस पर प्रिंट हुआ होता है, एक्स वाई एंड ए बी। एंड ये विंडोज 10 एंड 7.8.1 एंड एक्सपी के साथ कंपेटेबल हैं। इसमें डुअल एनालॉग्स भी हैं। इसकी केबल 1.8 मीटर की है, जो कि बहुत ही बड़ी केबल होती है मेरे हिसाब से, तो आसानी से आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं दूर बैठ करके गेम का। तो चलिए इसको खोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलती है छोटी सी मैनुअल, जिसमें थोड़ा सा इसके बारे में दिया गया है, आप देख ही सकते हैं। इसको यहाँ पर रखते हैं, तो इसमें गेम पैड के अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो ये केबल है, सबसे पहले इसको चेक करेंगे हम कितनी लंबी है। देखने पर छोटी लग रही थी, लेकिन इसको खोलने के बाद देख रहे हैं कि काफ़ी लंबी है। मेरे दोनों हाथों को पूरा खोलने के बाद भी ये लटक रही है, तो आप देख ही सकते हैं कि इतनी इसकी लेंथ दी गई थी, इतनी पूरी लग रही है। और जो कि एक्स वाई जेड कीज हैं वो ये हैं, ये इनके नीचे लाइट्स भी हैं। जब आप अंधेरे में या डार्क मोड में आप इसको यूज़ करेंगे, कमरे में लाइट ना हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से आप बटन देख सकते हैं कौन सा बटन है क्या है। पर आपको एनालॉग एंड स्टार्ट एंड बैक की में कोई लाइट नहीं देखने को मिलेगी, तो आप उनको सिर्फ हाथ से फील करके देख सकते हैं। वैसे तो एक गेमर को सारे बटन का फील पता होता है, कौन सा बटन कहाँ पर है, किस काम में आता है। और जब मैंने इसको देखिए हाथ में पकड़ कर देखा, जो कि इसका फील बहुत ही अच्छा आता है, ये कहीं से भी मतलब बेकार सा नहीं लगता है, और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। सिर्फ केबल की थोड़ी अच्छी नहीं है, अगर इससे भी अच्छी हो सकती थी, जैसा कि रेड गियर के हेडफोन्स में आती है, वो बहुत ही अच्छी केबल होती है, लेकिन ये भी अच्छी है, बुरी नहीं है, ये आसानी से चल जाएगी। तो इसमें मैनुअल के हिसाब से देखें तो एलईडी मोड इंडिकेटर्स हैं वो यहाँ पर है, थोड़ी धीमी एलईडी है लेकिन टिक जाती है आसानी से। एंड बटन्स के बारे में थोड़ा कुछ दिया गया है, एंड सबसे ख़ास बात इसमें टर्बो मोड बटन है, जिससे कि आप टर्बो फायर कर सकते हैं, या आपको कहीं पर टर्बो बटन की जरूरत हो रिपीटेडली यूज़ करने के लिए किसी की को, तो आप वहाँ पर इसे यूज़ करते हैं। एक बार दबाएंगे तो वो यूज़ होती रहेगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्ट बटन एंड बैक बटन आसानी से काम करते हैं। एनालॉग एंड ये जो कि मूवेबल कीज होती है, लेफ्ट राइट, ये सब आसानी से काम करती है। मैंने इसको गेम खेल करके चेक किया था, क्योंकि चेक करना पड़ता है प्रोडक्ट सही है या नहीं है, तो उस टाइम मैंने इसको चेक किया था। बाकी जो होम बटन है वो आपको इनपुट इंडिकेटर की लाइट की द्वारा चेक कर सकते हैं कौन सा इनपुट है। इसमें तीन मोड दिए गए हैं, इनपुट मोड, डायरेक्ट इनपुट एनालॉग मोड एंड डायरेक्ट इनपुट डिजिटल मोड। वैसे मैंने इसे एक्सपीरियंस नहीं किया है, एक्सपीरियंस होने के बाद में मैं आपको बताऊँगा, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लगी, और जब मैंने गेम खेला तो मुझे कोई इशू नहीं आया, आसानी से मतलब तो बटन्स काम कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही में रेड गियर ब्रांड इसको जो है 1 ईयर की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी देता है, तो अगर कोई दिक्कत आती है तो आप उनसे ईमेल या उनके टोल फ्री नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। तो
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।